पहली बार हिना खान समझाती हुई नजर आई है जान कुमार सानू को। आखिरकार किस बात के टिप्स दे रही थी हिना खान जान को, बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं रुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। आपको बता दूं, यहां पर जब से बिग बॉस सीजन शुरू हुआ है तब से ही जान और निकी की दोस्ती जो है वो काफी अच्छी हो चुकी है, धीरे धीरे हुई है लेकिन हो चुकी है। अब यहाँ पर हमेशा हर किसी को यही बात लगती है कि जान को कोई ना कोई ऐसा बंदा, ऐसी पर्सनालिटी चाहिए जो कि उन्हें अपने हिसाब से यू नो गेम शो जो है वो खेलने में मदद करता रहे। तो जैस्मिन ये बात इस बात को बोलती है जान को अकेले में, हिना खान भी वहां पर बैठी हुई होती है, वो बोलती है कि यहाँ पर घर में सबको ये बात लग रही है कि जान जो है वो निकी के इशारों पर चल रहे हैं, जैसा निकी उन्हें चलाना चाहती है वैसे ही चला रही है। इनफैक्ट ये काफी गलत है, आपको अपनी पर्सनालिटी के साथ में सामने आना चाहिए। तो यहाँ पर जान कहते हैं कि आपको, आप लोगों को सबको अभी भी यही चीज लग रहा है। तो यहाँ पर हिना खान समझाती है कि हाँ आप ठीक है, अगर आपको गेम शो खेलने के लिए किसी की मदद की जरूरत भी है उसमें गलत नहीं है, लेकिन इसमें आपको अपना व्यक्तित्व जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि अपनी पर्सनालिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। आपको अपनी पर्सनालिटी के साथ बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी बात के सामने आना चाहिए। हिना खान ने यहाँ तक कि अपना भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मेरे सीजन में मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत क्लोजेस्ट दोस्त थे। यहाँ पर आपको बता दूं कि प्रियांक की बात हो रही है यहाँ पर, और ये दोनों जो थे वो काफी अच्छे दोस्त थे। उन्होंने बोला कि हम लोग इतने अच्छे दोस्त थे लेकिन उसके बावजूद भी हमारे विचारों में डिफरेंसेस होते थे। हम लोग जब भी बात करते थे अगर हम किसी पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री नहीं करते थे तो हम मुंह पे बोलते थे कि हम अग्री नहीं करते हैं, इससे हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वेल, हिना खान और जैस्मिन ने जो बात जान कुमार को समझाई है, आप में से कितने लोग हैं जो इस बात पर अग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।